नमस्कार, सौम्यास किचन कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आती है। हमने यहाँ पे 3 आलू लिए हैं बड़े साइज के, और हमने इन्हें इस तरह से काट लिया है। एक आलू हम आपको काट के बताते हैं। इस तरह से पतले पतले काटने, इस तरह से हमने सभी आलुओं को काट लिया है। अब हम इन्हें पतले पतले काटेंगे। इस तरह से सभी आलुओं को काट लेंगे। इसे आप मशीन से भी काट सकते हैं, पर हम इसे इस तरह से काट रहे हैं। इसी तरह से हम सारे आलुओं को काट लेंगे। सभी आलुओं को हमने काट लिया है। अब हम इसे पानी में रखेंगे। पानी में डाल के रखने से आलू काले नहीं पड़ते हैं, और इसे हम 2-3 पानी से अभी साफ कर लेंगे। हमने इन आलुओं को 3-4 बार पानी से अच्छी तरह से साफ कर लिया। अब ये बिल्कुल भी साफ पानी हो गया है। अब हम एक पतीले में पानी को गर्म करेंगे और उसमें इन्हें डालेंगे 5 मिनट के लिए। पानी हमारा अच्छा गर्म हो गया है। अब हम अपनी फ्रेंच फ्राइज डाल देंगे इसमें। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे पानी में। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम फ्रेंच फ्राइज को किसी जाली में रखकर इसे इसका पानी निकाल लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने फ्रेंच फ्राइज बाहर निकाल लेते हैं ताकि इनका पानी निकल जाए। अगर आपको लगता है कि आलू डालते समय इसका टेम्परेचर कम हो गया है, तो आप 1-2 मिनट के लिए गैस ऑन रखिए और इसे ढक दीजिए, और इसके बाद फिर बंद कर दीजिए गैस को। इसी तरह से हम सारे फ्रेंच फ्राइज अपने बाहर निकाल लेंगे पानी से। फ्रेंच फ्राइज का सारा पानी जो है इसमें नीचे कटोरे में निकल गया है। अब हम इसे एक सूती कपड़े के ऊपर इसको निकाल लेंगे। ऐसे इस तरह से इसे निकाल लेंगे और इसे इस तरह से इसका पानी जो है इसे पोंछ देंगे इस तरह से, और इसे 1 घंटे के लिए हम फ्रीजर में रखेंगे। तो इसे हम फ्रीजर में रख देते हैं। हमने अपने फ्रेंच फ्राइज को बाहर निकाल लिया है फ्रीजर से। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तलने के लिए हमने तेल कढ़ाई में डाल दिया है। तेल हमारा अच्छा गर्म हो जाए तो हम अपने फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करेंगे। तेल अच्छा गर्म हो गया है। अब हम अपने फ्रेंच फ्राइज तेल में डालते हैं। जितना हमारा तेल हो कढ़ाई में, उसी हिसाब से हम अपने फ्रेंच फ्राइज डालेंगे।
इन्हें अलग कलर के हम कुछ देर तक पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने फ्रेंच फ्राइज को दोबारा तलेंगे। इसी तरह से हम सारे फ्रेंच फ्राइज को दोबारा तल लेंगे। इन्हें गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक हम इसे तलेंगे। हमारी फ्रेंच फ्राइज बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है, ये देखिए। इसके ऊपर आप हल्का सा नमक आमचूर का पाउडर डालकर सर्व करें, या फिर सॉस के साथ, या फिर हरी चटनी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।